हाय गाइज, हाय दोस्तों। आज मैं नया वीडियो लाई हूँ, सबसे बेहतरीन बनाऊंगी। आज बनाऊंगी मैं अपने वीडियो में बहुत बढ़िया से बनाऊंगी। मैं कटहल की सब्जी बनाऊंगी, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। बहुत टेस्टी से बनाऊंगी, बहुत अच्छी सी रेसिपी दूंगी, जिससे कि आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए, मैं सबसे पहले कटहल को बहुत अच्छे से छीलूंगी इसे। तो देखिए, थोड़ा छोटा है, बहुत अच्छा है, नरम है। इसे अच्छे से कट करूंगी। देखो, इसमें दूध लगा है, हाथ में तेल लगाने से दूध इसमें हाथ में नहीं लगेगा, ना चिपकेगा। बहुत अच्छे से बीच से कट कर ले रही हूँ। तो देखिए, बहुत अच्छे से हाथ में दूध नहीं लग रहा है, मैं अच्छे से कट कर रही हूँ। देखिए, बहुत अच्छा है, नरम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बनाने में बहुत बेहतरीन बनेगा, बहुत अच्छा है कटहल। तो देख सकते हैं गाइज, बहुत बेहतरीन है। मैं तेल लगा ऐसे लगाते रहूँगी, क्योंकि दूध लग जाएगा तो बहुत अच्छे से कट नहीं पाएगा, इसीलिए मैं बहुत अच्छे से छोटा छोटा टुकड़ा करूँगी। ये है 5-6 प्याज हैं, बहुत अच्छे से मैं बारीकी से कटू करूँगी इसे। तो आप सब देख सकते हैं ये कितने महीन से, कितने बारीकी से मैं कट कर ली हूँ। ज़्यादा महीन नहीं हुआ है, छोटा थोड़ा बड़ा है। मैं टमाटो को बहुत अच्छे से इसे कट करूँगी, छोटा छोटा करके। तो देखिए, बहुत अच्छे से मैं कट कर ली हूँ। और मैं इस कटोरी में 2 चम्मच धनिया डालूँगी, पाउडर धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच इसमें हल्दी डाल दूँगी, 2 पैकेट गरम मसाला डालूंगी। तो देखिए, 2 पैकेट गरम मसाला डाल दी हूँ। तो गाइज, लाल मिर्च है थोड़ा सा, 1/2 चम्मच। मैं इसमें पानी ऐड करके मिलाऊंगी सभी को अच्छे से, बहुत अच्छे से इसे मिलाऊंगी। हमारा मसाला एकदम तैयार है बनाने के लिए। देखिए, बहुत अच्छे से मैं ऐड कर ली हूँ। अब मैं कढ़ाई में ऑयल डालूँगी, इसे थोड़ा हीट कर दूँगी, गरम कर दूँगी अच्छे से। इसे मैं कटहल जो छोटा छोटा काटी हूँ, इसे फ्राई करूँगी बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से देखिए, मैं इसे में डाल दी हूँ कढ़ाई में, बहुत अच्छे से इसे चलाऊंगी। धीमी आंच से मुझे इसे फ्राई करना है, बहुत अच्छे से बनाना है। मैं अलग तरीके से बनाऊंगी गाइस, बहुत बेहतरीन से बनाऊंगी। आप सब हमारी वीडियो को देखिए, मैं 2 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ। तो देखिए, 2 मिनट हो गया, मैं इसे प्लेट को हटा दूंगी, बहुत अच्छे से चलाऊंगी। फ्राई करने से यही होता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है, उबालने से होता है केवल मसाला को पकाना पड़ता है, और इसमें होता है बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैं फ्राई वाला बनाऊंगी। फ्राई वाला टेस्टी भी होता है, फिर उबालने वाला भी, हमको ऐसे ही अच्छा लगता है, मैं ऐसे बनाऊँगी, बहुत अलग तरीके से बना रही हूँ मैं। तो देखिए, बहुत अच्छे से गल गया है, एकदम से नरम था, इसीलिए बहुत अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। बहुत बेहतरीन से देखिए, मैं अच्छे से निकाल ले रही हूँ, फ्राई हो गया है। थोड़ा सा मैं कढ़ाई में ऑयल डालूँगी, कटहल की सब्जी में ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है, ये पंचफोड़न है, पंचफोड़न के तड़का मैं दे दी हूँ। इसे थोड़ा हल्की धीम से इसे अच्छे से पॉइंट पे भूनूंगी, ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें 2 पत्ता, ये तेज पत्ता है, इसको भी तड़के में डाल दी हूँ। तो देखिए, मैं एकदम हलवाई की तरह कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी, बहुत बेहतरीन से बनाऊंगी, आप सबको बहुत पसंद आएगा।
ये है लहसुन अदरक मिर्चा है, दोनों को तीनों को अच्छे से मैं खलबट्टे में खुद ली हूँ। बहुत अच्छे से मैं इसे चलाऊँगी, थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, अच्छा लगेगा तड़का। तो देखिए ऐसे चलाते रहिए, तो देखिए बहुत अच्छे से मैं चला दी हूँ। थोड़ा सा मैं हींग डाल दे रही हूँ इसमें, आधा चम्मच हींग है, हींग को भी अच्छे से इसी में चलाऊंगी। तो देखिए हमारा तड़का थोड़ा ब्राउन हो गया है, मैं इसमें प्याज डाल दूंगी जो कट की हूँ, बड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा है पर बहुत अच्छा बनेगा इसमें, अच्छे से इसे चलाऊंगी। तो देखिए बहुत अच्छे से मैं इसे चलाती रहूंगी, ऐसे थोड़ा इसमें तेज कर दी हूँ और देखो ब्राउन हो भी गया है, पॉइंट बढ़ा दी थी मैं। इसमें टमाटर डालूंगी जो थोड़ा बारीकी से कट कर रही हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से मैं इसे चलाऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तड़के का रेसिपी बहुत बढ़िया है। तो देखिए अभी से थोड़ा बहुत खुशबू आने लगी है बहुत बढ़िया से। तो देखिए बहुत अच्छे से ऐड कर ली, बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है तड़के हमारे, बहुत अच्छे से इसमें हो गया है। तो मैं ये कश्मीरी पाउडर है, आधा चम्मच कश्मीरी पाउडर डाली हूँ, थोड़ा सा ये लाल मिर्ची है, बहुत अच्छे से इसको भी मिला लूँगी। तो देखिए तड़का हमारा एकदम अनली तैयार हो गया है। बहुत अच्छे से देखिए मैं फेंट दे रही हूँ, बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर दे रही हूँ ताकि इसमें कोई कमी नहीं रहे। बहुत अच्छे से मसाले को मैं जो ऐड कर रही हूँ अच्छे से इसमें मिला दूँगी, तड़के में बहुत अच्छे से भूनूँगी। तो देखिए बहुत अच्छे से मैं इसमें मिला रही हूँ, बहुत अच्छे से ऐड कर लूँगी। देखिए मसाले जैसे ही डाली मैंने, थोड़ा कलर भी थोड़ा अच्छा लगने लगा है, बहुत अच्छे से इसमें भी खुशबू आएगी, एकदम जैसे कटहल की सब्जी हमारी पनीर बन रही है। देखिए बहुत अच्छे से बना रही हूँ, ऐसे आप भी बनाओगे तो बहुत बेहतरीन बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा। गाइज आप सब हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए, मिस मत करिएगा गाइज। तो देखिए बहुत अच्छे से मैं इसमें अच्छे से, बहुत अच्छी शानदार खुशबू आ रही है मसाले की, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो देखिए हमारा मसाला एकदम तैयार हो गया है, बहुत अच्छे से भून ली हूँ। इसमें मैं कटहल की जो फ्राई की हूँ बहुत अच्छे से इसमें डाल दूँगी, बहुत अच्छे से ऐड करके मिलाऊँगी, बहुत अच्छे से इसे फ्राई करूँगी। देखिए बहुत अच्छे से एकदम मिक्स कर दे रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बनाने में भी तो बहुत मज़ा आता है, खाने में भी बहुत आनंद आता है। इसीलिए देखिए हमको अच्छा लग रहा है, अच्छा यही कर रहा है कि इसमें नमक डाल के मैं ऐसे सूखा बना दूँ, सूखा भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी तो बहुत, और उससे चावल भी खा जा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में, आनंद आता है चावल से। तो देखिए बहुत अच्छे से खुशबू, बहुत बेहतरीन खुशबू है इसमें, टेस्टी तो बहुत है। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बहुत अच्छे से देखिए इसमें मैं पानी ऐड कर ली हूँ। तो देखिए गाइस बहुत अच्छे से चला दे रही हूँ, थोड़ा सा नमक एक चम्मच डाल दे रही हूँ। तो देखिए
रेसिपी हमारा बहुत तैयार बढ़िया हो गया है। मैं इसे 2 मिनट के लिए और अच्छे से पकाऊंगी। इसे मैं खोलूंगी, देखूंगी कैसे बना है कैसे नहीं बना है, कलर कैसी है। देखिए कलर एकदम फेवर बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। यही इच्छा करा खा लूँ, इतना बेहतरीन बन गया है, बहुत अच्छा। मन तो मेरा तो बहुत अच्छा लग रहा है देख, मन बहुत अच्छा, जैसे कि हमारे खाने का बहुत इच्छा कर रहा है। ये इच्छा करा मैं खा लूँ। सोचिए आप लोग देखते होंगे तो सोचती है कितना अच्छा लग रहा होगा खाने में, तो पूछिए कितना आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। तो देखिए मैं आप सभी को इसे उठा के दिखाऊँगी कितने बेहतरीन से, कितने टेस्टी से, बहुत अच्छे से बन गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको हमें पता है गाइज, आप सभी को लालच आ रही है खाने के लिए। तो थैंक यू गाइज हमारी वीडियो को, सभी गाइज को हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।